नमस्ते, राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। कैसे दोस्तों, मैं आपका अपना अमित पंघाल आपके पंघाल फिटनेस पे। और आज ठंड बहुत ज्यादा है तो आज वर्कआउट कर रहे हैं चेस्ट और बाइसेप्स का, फिर पूरे दिन का दिनचर्या दिखाएंगे आपको। और आप सब कहते थे भाई व्लॉग्स आए तो फिटनेस प्लस व्लॉग्स साथ में आया करेंगे, क्योंकि जो दूसरा चैनल है ना व्लॉग्स का, उस पर इतना टाइम नहीं मिलता कि व्लॉग्स अपलोड करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे काम हो जाते हैं लाइफ में। एक खाली यूट्यूब नहीं है, लाइफ बहुत कुछ है। दो लाइफ है, एक ऑनलाइन चल रही है, एक ऑफलाइन चल रही है। तो जो ऑनलाइन चल रही है उसको देख लो, ऑफलाइन में कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। लेकिन जो समझदार भाई हैं उन्हें पता है कि कितने सारे काम धंधे हैं, सबको संभालना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में तभी आप आगे बढ़ सकते हैं जब आपका काम चलता रहेगा, आप मेहनत करते रहेंगे। तो मैं तो सारे भाइयों से यही अपील करता हूँ, छोटों से भी बड़ों से भी, कि ठीक है आप बॉडी बिल्डिंग करें, आपके जो भी सपने पूरे करें, लेकिन साथ में अपना काम पर ध्यान दें, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत ज़रूरी है, घर में पैसा बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं वर्कआउट, चलिए, और ऐसे ही प्यार करते रहें। और एक और बात कहता हूँ कि गेनिंग स्टार्ट हो रही है, हो चुकी है, मतलब आज दूसरा दिन है, लेकिन अभी थोड़ा धीरे चलेंगे 10 दिन, क्योंकि डाइजेशन ठीक नहीं है। वर्कआउट की वो कॉम्पिटिशन तैयारी करी थी, बॉय फूड खाया था 2-3 दिन, लास्ट में पानी बनता, तो धीरे धीरे संभालना पड़ता है लास्ट तक, ठीक है ना। उसके बाद फिर ज़बरदस्त रिजल्ट आएगा आपके भाई में भी और आपके छोटे भाई आदित्य में भी। तो जो जो मेरा भाई चाहता है कि गेनिंग सीरीज जल्दी आए, प्लीज़ वीडियो में कमेंट्स करना, मैं सारे कमेंट्स रीड करता हूँ आपके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चल बलिया, तगड़ा हो गए, बहुत तगड़ा बनाया तेरे को। और मैं दिल से चाहता हूँ कि जो मेरे भाई मेहनत करना चाहते हैं ना, वो बहुत अच्छा शरीर बनाए, कुछ दिनों का सब्र रखो, एक ज़बरदस्त जिम आ रहा है, मतलब आप सबका जिम है वो, हम तो मजदूर हैं, हमारे तो मजदूरी करनी है हमें तो, लेकिन आप सबके लिए जिम होगा, वो काम चल रहा है बहुत जोरों शोरों में। बलिया क्या कहना चाहता है भाई, बहुत भयंकर होना है, ठीक है ना, वो वाली बात है, किसी भाई के दिल में कोई मलाल नहीं छोड़ेंगे, सारे मलाल निकाल देंगे, बात आए। तो आज एक छोटी सी मेहनत की है, पूरे कॉम्पिटिशन की डॉक्यूमेंट्री आएगी कि बॉडी बिल्डिंग में कैसे क्या क्या होता है, ठीक है ना। तो बहुत मेहनत की उसके लिए आयुष्मान ने, तो आज वीडियो अपलोड हो जाएगी पंखाल फिटनेस पे, और बहुत मेहनत हुई है तो ज़रूर। तो दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं कि आप इंदौर में कहाँ पे आ रहे हो, तो इसके बाद वाली स्टोरी में आपको पूरा प्रॉपर एड्रेस मिलेगा। 11 और 12 को मिलते हैं इंदौर, तो बहुत सारे मैसेज हैं, आप सबसे मिलूंगा, टेंशन मत लो। कोई कह रहा भाई मिलके जाना, पक्का मिलके जाऊंगा, जब तक मेरे एक एक भाई की फोटो नहीं हो जाएगी ना तब तक नहीं जाऊंगा, ठीक है ना, पक्का। तो दोस्तों खा रहे हैं, आजकल बहुत नींद आ रही है, क्योंकि कई महीनों से खाया नहीं था ढंग से, तो नींद आ रही है, सो गया था, उठते ही व्लॉग एडिट करूंगा। तो आज का व्लॉग आप लोग देख रहे हो, और ऐसे ही प्यार करता भाई, बहुत प्यार किया सारे भाइयों ने और बहुत सपोर्ट करते हैं। 364 दिन, 65वां दिन तो खेलेंगे ही ना, तो ज़बरदस्त फॉर्म में आएंगे, क्योंकि ना कभी भी बोल के जवाब नहीं दिया जाता, हमेशा करके जवाब दिया जाता है। तो वही मर्द की निशानी है कि वो बोल के नहीं करके जवाब दे, क्योंकि सचिन भी 0 पे आउट हुए हैं, धोनी भी 0 पे आउट हुए हैं, तो उनने बोला थोड़ी ना हम इसलिए आउट हो गए, हम ये हो गया, उनके बल्ले नहीं बोला जब भी बोला है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, जो भी होता है लाइफ में अच्छा होता है, पता लग जाता है कौन कितने पानी में है, किस में कितनी सोच है, सब कुछ पता लग जाता है। क्योंकि ना हम जब तक किसी चीज़ को, मतलब हमारे यहाँ कहते हैं जब तक आदमी को बरतते नहीं है जब तक आदमी का पता नहीं लगता, जब आदमी को बरतते हैं ना तो उसके बारे में सब पता लग जाता है, क्या सोच है इसकी, ठीक है, कितनी मेंटेलिटी है, कैसा मतलब इसका स्वभाव है, कितना मीठा बोल के अंदर उतर जाता है, तो सब समझ आ जाता है आदमी को धीरे धीरे। और एक बात कहना चाहूँगा, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, मीठे आदमी के साथ मत रहना, बस मीठे आदमी से बचना, जुबान का कड़वा है ना वो आदमी ठीक है, और जो आदमी जुबान का मीठा है ना उससे बच के रहना। और एक और कहावत है हमारे हरियाणा की, जो सबका दोस्त होता वो किसी का दोस्त नहीं होता, ठीक है ना, जो एक दो दोस्त होते हैं वो पक्के यार होते हैं, लेकिन जो आदमी सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, वो सिर्फ मतलब का यार होता है। तो जो भाई समझदार मेरी बात समझ गए हैं, तो मतलब के यारों से बचो। और यार ये सोशल मीडिया के ज़माने में यार व्यार तो बचे ही नहीं, जब तक तेरा काम है तब तक तेरा नाम है, दूर फिर दूर सही तुझे बाटा, बाय बाय, राम राम है, ये है कहानी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तगड़े हम और तगड़े ही रहेंगे। तो माता पिता से प्यार करें, देश से प्यार करें, सेहत का ध्यान रखें, जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो बस ज़्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं लगानी, हाँ जजेस की तरफ।
या गुड 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 नाइस वेरी गुड कम ऑन रिलैक्स ठीक है फ्रंट लेफ्ट स्प्रेड सामने देखना और थोड़ा ध्यान थाइस पे भी देना है कंट्रोल योर थाइस गुड वेरी गुड वेरी गुड रिलैक्स हाँ साइड चेस्ट पोज और थोड़ा सा पोज करने में थोड़ी सी फास्टिंग करनी है पीछे ना रहें इतना टाइम नहीं देंगे वो ठीक है कम ऑन थोड़ा बेंड बेंड हो जाओ रिलैक्स वेरी गुड पूरा पूरा ध्यान थाइस पे फोकस सामने देखो हाँ रिलैक्स